हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना जो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, तभी एक चटाक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया था। जहाँ थोड़ी देर पहले नैना की चीखें सुनाई दे रही थी, वहाँ पर बस नैना की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। वो हार मान चुकी थी। कुछ ही देर में उसके बाकी बचे हुए कपड़े भी ज़मीन पे पड़े थे। आरव अपना पति होने का हक वसूलने लगता है। वो जो भी उसके साथ कर रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से कर रहा था। नैना को बेहद तकलीफ़ हो रही थी। वो टेबल पर रखा चाकू कसकर अपने हाथ में पकड़ लेती है और कसकर अपनी आँखें बंद कर लेती है। वो ज़ोर से चिल्लाना चाहती थी पर आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। होठ सिल लिए थे उसने अपने। वो वहाँ से भागना चाहती थी पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। आरव अब भी उस पर पूरी तरीके से हावी था और बहुत ही बुरी तरीके से उसके बदन को नोच रहा था। नैना की आत्मा चिल्ला रही थी। उसने अब भी चाकू को अपने हाथ में जकड़ रखा था और उसके हाथ से टप टप करके खून बह रहा था। शायद वो खुद को तकलीफ़ दे रही थी जिससे आरव की दी हुई तकलीफ़ उसे महसूस ना हो, पर उसकी तकलीफ़ कम होने के बजाय और भी बढ़ गई थी। नैना ने अब भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और बंद आंखों से भी उसके झरझर आंसू बह रहे थे। उसने एक बार भी आरव की तरफ नहीं देखा था। रात के सन्नाटे में अब केवल नैना की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो बुरी तरीके से टूट चुकी थी और थक चुकी थी। उसकी हालत लगभग ऐसी थी कि वो अब किसी भी वक्त बेहोश होने वाली थी। इसके बावजूद भी आरव उसको छोड़ नहीं रहा था। क्या ये सुहागरात थी? नहीं, ये केवल बलात्कार था। कुछ देर में जब आरव अपना गुस्सा निकालने के बाद नैना को बिस्तर से नीचे फेंक देता है और एक नोटों की गड्डी निकालकर उसके मुंह पर मारता है। इसके बाद वो अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, यही औकात है तुम्हारी। इस बिस्तर पर तुम तभी आओगी जब मैं चाहूँगा, जब मुझे तुम्हारे जिस्म की ज़रूरत होगी। नैना अधमरी सी ज़मीन पर पड़ी थी और नोटों की गड्डी भी वहीं ज़मीन पर पड़ी थी। आरव कपड़े पहनकर उठता है और उसके पास जाकर वो पैसे उठाकर उसके हाथ में रखते हुए कहता है, रख लो, तुम्हारी औकात से कहीं ज़्यादा है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और जाते हुए रूम लॉक कर देता है। नैना चादर में लिपटी बेजान सी पड़ी थी। उसका ध्यान बस अपने हाथ में रखे पैसों पर था। खुद को समेट कर वो किसी तरह उठती है और पैसे वहीं फेंक कर वॉशरूम में जाती है। उसकी बॉडी पर जगह जगह काटने के नोचने के नीले रंग के निशान थे और जगह जगह से खून भी बह रहा था। उसकी हालत उसका दर्द बयान कर रही थी। वो शावर खोलकर वहीं बैठ जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि आरव ये सब भी कर सकता है। वो मन में कहती है, आज आपने गुस्से में आपने हद पार कर दी आरव जी, बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत। तन पर लगे निशान तो मिट जाएंगे पर मन पे लगे निशान वो कभी नहीं मिटेंगे, कभी नहीं। एक दिन आप बहुत पछताएंगे, बहुत ज़्यादा। दर्द के मारे उसका बदन टूट रहा था। कुछ देर पानी में रहने के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आती है। आरव ने पहले ही एक अलमारी में उसके लिए कपड़े भर दिए थे। ये कहकर कि रॉय की बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर नाजों से पली बड़ी है। पूरी अलमारी अच्छे महंगे और बढ़िया बढ़िया कपड़ों से भरी हुई थी। उसमें हर तरीके के कपड़े थे, सूट साड़ियाँ, हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत नैना को थी। मेकअप का सामान भी भरा पड़ा था। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो थी प्यार की, जो शायद अब कभी नहीं होगा। खैर, धीरे धीरे खुद को घसीटते हुए वो बाहर आती है। दोबारा से उसकी नज़र उन्हीं पैसों पे पड़ती है। वो पैसे उठाती है और एक पेन निकालकर उन पैसों पर कुछ लिखती है और फिर उन्हें छिपाकर रख देती है। अब तो रो रो कर उसकी आँखें भी सूख चुकी थी पर पूरा बदन दर्द कर रहा था। नैना ज़मीन पर ही लेट जाती है। उसको ठंड भी लग रही थी पर उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने ऊपर कंबल ढाल ले, क्योंकि आरव ने उसे किसी भी चीज़ को छूने के लिए मना किया था। वो ऐसे ही लेट जाती है। आरव घर के बाहर निकल आया था। आज आरव वो करके आया था जो करने की उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसे लगा था कि नैना को तकलीफ़ देकर उसे सुकून मिलेगा
पर नहीं, सुकून नहीं मिला था उसको, उल्टा और तकलीफ बढ़ गई थी उसकी। लेकिन अपने गुस्से की वजह से वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। आरफ कहता है, नहीं कुछ गलत नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं, इसी के लायक है वह धोखेबाज। जैसे वो खुद को तसल्ली दे रहा हो, खुद को शांत करने के लिए वो ना जाने कितनी सिगरेट पी चुका था, पर उसका मन शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसने गलत किया है, पर इस वक्त वो ये बात मानने को तैयार नहीं था। रात भी थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद आरफ खुद को ये समझा कर कि उसने जो भी किया है सही किया है, वो खुद इन सब में शामिल हुई है, मैं नहीं लाया उसे, और वैसे भी उसके बाप के किए की सज़ा तो मिलेगी ही। एक बार फिर आरफ गुस्से से भर जाता है और घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर में वो घर पहुंच जाता है और अपने कमरे में जाता है। नज़र जाती है नैना पर, जो लगभग अधमरी सी ज़मीन पर पड़ी ठंड से कांप रही थी। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, होठों के किनारों से खून बह बह कर सूख गया था, हाथों पर भी चोटों खरोचों के निशान साफ चमक रहे थे, लेकिन आरफ पर कोई असर नहीं था। उसको तो ये भी महसूस नहीं हो रहा था कि कितनी हैवानियत कर चुका है वो। बेहद नफरत से वो अपना चेहरा फेर लेता है और बिस्तर पर लेट जाता है, और जल्दी ही उसे नींद आ जाती है। नैना वैसे ही कपकपाती हुई ज़मीन पर पड़ी रहती है। अगली सुबह के 11 बज रहे थे, पर घर का माहौल एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई है ही नहीं। जहां कुछ दिन पहले आरव व नैना की हंसी गूंजती थी, चहल पहल रहती थी, नैना का वो ऊपर से नीचे घूमना रहता था, तो कभी रसोई से आती उसकी और माधव की बातों की आवाज़, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे घर में मातम छाया हो। माधव के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि नैना ऐसे कर सकती है। उसका दिल नहीं मान रहा था, पर दिमाग कह रहा था कि नहीं, नैना गलत है। कुछ देर बाद आरफ की नींद खुलती है। उसका नशा पूरी तरीके से उतर चुका था, और एक बार फिर उसकी नज़र नैना पे पड़ती है, और रात को जो कुछ भी हुआ उसे वो सब याद आ जाता है। फिर भी वो उसे नज़रअंदाज करता हुआ वॉशरूम में चला जाता है और शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आता है और तैयार होकर नीचे जाता है। नैना को तो वो ऐसे नज़रअंदाज कर देता है जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। आरव नीचे जाकर सोफे पर बैठते हुए और न्यूज़पेपर उठाते हुए कहता है, एक चाय दे माधव। विवान भी उसके पास आकर बैठ जाता है। आरव जैसे ही न्यूज़पेपर उठाता है तो नज़र जाती है पहली खबर पर, जिसे पढ़कर उसके फेस पर एक जहरीली हंसी तैर जाती है। पूरा अखबार बस आरव व नैना की शादियों की तस्वीरों से भरा हुआ था। जो आरव चाहता था वो हो गया था, और साथ में ये खबर भी छपी थी कि अब रॉय को इलेक्शन में खड़े होने का मौका शायद ही मिलेगा। वो विवान को पेपर दिखाते हुए कहता है, ये देख उस घटिया आदमी को बर्बादी की तरफ लेकर जाने का मेरा पहला कदम कितना सही पड़ा है। लेकिन विवान का ध्यान उस पेपर पर ना जाकर आरव की गर्दन पर था, जहाँ नैना के नाखूनों के निशान थे जो खुद को बचाते वक्त लग गए थे। विवान समझ गया था जो भी रात में हुआ था। वो पेपर को एक तरफ रख आरव की तरफ देखते हुए कहता है, कितने दिन चलेगा ये? आरव भी समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है, और वो कहता है, जब तक मैं चाहूँगा उसे भुगतना होगा, महसूस करना होगा वो दर्द वो तकलीफ। इतने में माधव दोनों के लिए चाय लेकर आता है और टेबल पर रख देता है, लेकिन उसकी नज़रें बराबर ऊपर बनी हुई थी कि अब भी नैना आएगी। पता नहीं क्यों वो एक नज़र देखना चाहता था उसको। आरव नज़रों से उसका पीछा करते हुए कहता है, क्या देख रहा है? माधव डरते हुए कहता है, भाई वो कुछ खाना उसको, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। विवान गुस्से से कहता है, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, तू भी उसके साथ मिला हुआ है क्या? माधव कहता है, नहीं नहीं भाई, मैं तो बस। आरव विवान को शांत करता है और खुद उठकर किचन में चला जाता है, और कुछ देर में हाथ में न्यूज़पेपर और खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे में जाता है। नैना को कोई होश नहीं था, वो अब भी अधमरी सी वैसे ही पड़ी थी। आरव धीरे धीरे उसके पास जाता है, पानी की कुछ छींटे उसके मुंह पे मारता है, जिससे नैना को धीरे धीरे होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और आरव को अपने बिल्कुल करीब देखकर डर जाती है।
डर की जो रात को हुआ वो एक बार फिर होने वाला है। आरव उसका चेहरा देखते हुए कहता है, हाँ यही डर नज़र आना चाहिए मुझे तुम्हारे चेहरे पर। वैसे तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि अभी मूड नहीं है मेरा। जल्दी से उठो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। नैना जैसे उठने लगती है तो दर्द की वजह से उसकी आ निकल जाती है। आरव के हाथ खुद ब खुद उसे थाम लेते हैं। दोनों का दिल धड़कने लगता है। एक पल के लिए तो दोनों सब भूलकर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ना चाहते हुए भी नैना की आंखें बह जाती है, जिससे आरव होश में आता है और एक झटके से नैना को पीछे दीवार से लगा देता है, जिससे उसकी पीठ में ज़ोर से दर्द होता है। वह अपने दर्द को अंदर ही दबा लेती है। आरव उसके मुंह पर न्यूज़पेपर मारते हुए कहता है, देखो तुम्हारे बाप की तारीफ छपी है। नैना एक नज़र न्यूज़पेपर को देखती है और फिर देखती ही रहती है। अब पता नहीं उसमें वो क्या देख रही थी, लेकिन उसका हाथ बस अपनी और आरव की तस्वीर पर घूम रहा था। धीरे धीरे ये गुस्से से वो पूरा न्यूज़पेपर अपने हाथ से ही मोड़ते हुए एक तरफ फेंक देती है। आरव उसे देखते हुए कहता है, तो तुम्हें गुस्सा भी आता है? वो अपना चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब ले जाकर कहता है। नैना भी उसकी आंखों में देख रही थी। आरव उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहता है, क्या हुआ जान, रात को अच्छे से नहीं देखा जो अब देख रही हो? नैना अपना चेहरा फेर लेती है। आरव एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और उसका मुंह दबाते हुए कहता है, भूख लगी है? नैना ना में सर हिलाती है। आरव और भी ज़ोर से उसका मुंह दबाते हुए कहता है, ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। नैना को उससे बहुत डर लग रहा था। आरव फिर से कहता है, भूख लगी है ना? नैना डरते हुए हाँ में सर हिलाती है। आरव उसके सामने खाने की प्लेट करते हुए कहता है, चलो खाओ। नैना को आरव का ये रूप समझ नहीं आ रहा था कि जब वो उससे इतनी नफरत करता है तो फिर इतनी परवाह क्यों कर रहा है। वो हैरानी से आरव की तरफ देखती है। आरव बेहद गुस्से से कहता है, सुना नहीं तुमने, खाओ। नैना के हाथ काँप रहे थे और खाने का तो उसका बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वो कांपते हाथों से एक निवाला तोड़ने लगती है। आरव एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से उसका हाथ दबाते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है? ये कहकर वो अपने साथ लाया हुआ लाल मिर्च पाउडर पूरे खाने में मिला देता है। उसने बहुत ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर खाने में मिला दिया था। नैना का दिल धक्सा रह जाता है। वो मन में कहती है, नहीं आरव जी नहीं, ये मत कीजिए प्लीज़। आरव अपने हाथ से उसे खिलाने लगता है। नैना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आप जानते हैं मुझे मिर्च से एलर्जी है। आरव कहता है, जानता हूँ तभी तो खिला रहा हूँ। वचन दिया है तुम्हें कि जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा तुम्हारी, तो वही वचन निभा रहा हूँ। वो ज़बरदस्ती उसे खिलाते हुए कहता है, और वैसे भी दुखती नस पर हाथ रखना तुम्हारे बाप से ही सीखा है मैंने। तुमने भी वही खेल खेला मेरे साथ जो सालों पहले तुम्हारे बाप ने खेला था, विश्वासघात का खेल। वो बेहद गुस्से से बोल रहा था और ज़बरदस्ती उसे खाना खिला रहा था। नैना का बुरा हाल हो गया था, सांस नहीं आ रही थी उसको। वो एकदम से खाने की प्लेट में हाथ मारती है और खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। वो आरव से बहुत ही बुरी तरीके से पानी मांग रही थी, लेकिन पानी का गिलास आरव के हाथों में था। नैना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बस पानी मांग रही थी। आरव उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, पानी तो तुम्हें नहीं मिलेगा नैना रॉय। ये कहकर वो सारा पानी फर्श पर गिरा देता है और बाहर चला जाता है। नैना बड़ी मुश्किल से उसके पीछे जाते हुए कहती है, पानी सुनिए। आरव सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। नैना भी उसके पीछे थी। वो एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, पानी। आरव एक झटके से उसका हाथ छुड़वा लेता है, जिससे नैना संभल नहीं पाती और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसका माथा जमीन से टकराता है। जहां पहले उसको चोट लगी थी, ठीक उसी जगह से फिर से खून बहने लगता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या आरव की कठोरता नैना के प्रति और भी बढ़ती जाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है।
अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।